तो इस वक्त 25th of August है, कल 26th of August है, और कल है मेरा डिजिटल सैट एग्ज़ाम। और मेरा डिजिटल सैट एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो बना है लाहौर में। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, इस वक्त मैं लाहौर के लिए निकलने लगा हूँ। और हाँ, जिस एकेडमिक परस्यूट की मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था वो सैट ही था। तो खैर, इससे पहले लेट हो जाएँ, ज़रा काम शाम ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच गए हम, और मैं फ्रेश फ्रेश भी हो गया हूँ। थोड़ा लेट हो गए थे, बीच में फंस गए थे यार ट्रैफिक वगैरह में। और खाना छाना भी खा लिया है, कल की तैयारी भी कर ली है, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर लिया है। तो अब बस वक्त है थोड़ा सुकून करने का। और बस कल है डिजिटल सेट, इट इज़ द डे। थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो है ऑब्वियसली, स्टमक में बटरफ्लाइज होती हैं वो वाली फीलिंग तो है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। वहाँ पर पहुँचने 7:45 के करीब, तो पहली दफ़ा जाएंगे। रूट्स मेरा सेंटर है इधर, फेज 6 के अंदर है डिफेंस। तो वहाँ पर पहुँचने हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। अगर आपको मेरी हालत से पता नहीं लग रहा, मैं शदीद थका हूँ। सुबह मैं 7:30 का उठा हूँ और बस मेरी बस हुई भी है, तो ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया मैंने। तो बस अब थोड़ा सुकून करते हैं और कल मिलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं रेडी हो गया हूँ, इस वक्त 7 बज रहे हैं और हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, चार्जिंग वगैरह, ये क्योंकि एग्ज़ाम भी डिजिटल है ना, तो इसमें चीज़ें भी 100 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि भाई चार्जर लेके आए हैं, लैपटॉप चार्ज रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, तो वो सब कुछ चेक कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, फिर आशहर भी हो गए। तो बस एक ही काम रह गया, वो है सेंटर पर जाना। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो यार पेपर हो गया, पता नहीं कैसा हुआ है ये, तो भला ही बेटा जाने, गर्मी शदीद है। इससे अरसलान में सब बैठा हुआ है, फंसी को मैं व्लॉग में नहीं ले सका, फंसी जल्दी चला गया। और इस वक्त देखते हैं शाहजेब, हम मिला नहीं सुबह से, देखते हैं शाहजेब आता है तो मिलता है उससे। भाई पेपर शुरू होना चाहिए था 8 बजे और शुरू हुआ है 9:30 बजे। बहुत यार, मतलब क्या ना, मैनेजमेंट थोड़ी सी ना लैकिंग थी यार, काफी जलील भी हुए हैं बीच में। तो वो समझ नहीं आ रही विंग्स उसे, उसको ये समझ नहीं आ रही कि बच्चा कह रहा है कि विंग्स ऊपर कर, वो कह यार रिमोट तो नहीं है, रिमोट तो नहीं है। मैंने कहा हाथ से कर दे, हाथ से नहीं हो सकते ये। यार कोई समझ नहीं आ रही। चलो यार बेस्ट ऑफ लक। लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकते, 550 की दुआ है। कैसे आया हुआ है यार, मैथ्स में सुपर स्कोर आ सकता था, लेकिन यार मैथ का यार सेकंड मॉड्यूल जो है यार, आखिरी 3-4 सवाल ना सर के ऊपर है मेरे, सर के ऊपर जाते हैं। फंसी आ गया, फंसी यार जल्दी चला जाए। मिले उसे, उसका मिला, उसका भी इसी तरह ही आया कि मैथ हार्डर है, मैथ हार्डर है यार, और इंग्लिश के अंदर कह रहा हूं कप हो गया मेरे सर, तो कप सेकंड मॉड्यूल। तुम बताओ यार, सेकंड मॉड्यूल में जब टेक्स्ट पर आ गया था, मॉड्यूल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुश्किल आया, नॉर्मल भी हो गया तो आपके नंबर अच्छे हैं।
ये था भाई हमारा सेंटर। और मुझे नहीं पता क्या व्लॉग बनाया मैंने, सारे बहुत ज्यादा वो थे एनर्जेटिक, सारे के अंदर ना एनर्जी बढ़ी हुई थी, काफी दिनों से काफी देर से चुप बैठे हुए थे ना हम अंदर, तो हर किसी का दिल चाह रहा था बस हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। तो अभी अभी हम निकल पड़े हैं खाना खाना खाने, थोड़ा खाना छाना खाते हैं। इस वक्त दिमाग मेरा बिल्कुल सुन हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। उफ, सेट के बाद एक तो वैसे ही डिजिटल सेट के बाद ढाई घंटे बंदा जब फोकस होके करता है तो वैसे ही दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, और ऊपर से जो खुआरी हुई है आज, पेपर हमारा शुरू हो जाना चाहिए था 8:30 तक, लेकिन पहले मतलब कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, पता नहीं कि अब वहाँ पर मैं पूरा मतलब कि लाइन के अंदर खड़ा हुआ हूँ, पहुँचा हूँ रिसेप्शन के ऊपर, उनके किसी रिसेप्शन थी वहाँ पर ना, हर किसी का नाम वो देख रहे थे लिस्ट से और उनको ना रूम नंबर बता रहे थे, तो मेरा नाम लिस्ट पर था ही नहीं। पता लगा कि उन्होंने ना मेरी नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो 15 से 20 मिनट इस स्ट्रेस में गुजरे। तो एनीवेज 15 से 20 मिनट मेरे उस पर ज़ाया हुआ है कि नाम नहीं है यार, पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं सेट दे ही ना सकूँ इस दफ़ा, और मुझे शायद अक्टूबर के लिए मुझे जाना पड़े। तो एनीवेज तो नाम फिर कहीं मिला, मेरे दोस्त नहीं अरसलान, उसका भी यही मसला हुआ था, उसका भी नाम की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखे हुए थे। तो खैर हमें रूम में पहुँचे, वहाँ पर बैठे तो इंटरनेट के इशूज़ शुरू हो गए, इंटरनेट कभी कनेक्ट हो रहा है कभी डिसकनेक्ट हो रहा है, जिस ऐप पर हमने पेपर देना था वो कभी कनेक्ट हो रही है कभी डिसकनेक्ट हो रही है, लॉगिन नहीं हो रहे, इतने हज़ार इश्यूज। 9 बज के इतना करते करते फिर कोई 9:30 जाके फिर कोड डालना होता है बेसिकली अपने पेपर स्टार्ट करने के लिए, तो आधे लोगों का पेपर शुरू हो गया, आधे लोगों का पेपर नहीं शुरू हो रहा क्योंकि कोड उनका गलत डली जा रहा है, तो इट वॉज अ मेस यार। और जो पहले 5-6 क्वेश्चन थे ना मेरे इंग्लिश के, उसी वजह से इतने ज़्यादा मतलब ना पैनिक में हुए और उल्टे सीधे हुए कि गलत आंसर मैंने लिख दिए, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कोड का मसला हो रहा था, पैनिक हो रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है लेकिन पहले मॉड्यूल के अंदर मुझे टाइम मिल गया रीचेकिंग का, तो मैंने वो रीचेक करके अपने आंसर सही कर लिए, लेकिन इट वाज केओस। फिर हर किसी की ब्रेक फिर अब टाइम पर हो रही है, हर किसी का पेपर ख़त्म फिर अब टाइम पर हो रहा है, तो इट वॉज वेरी लगे ना ऑड, क्योंकि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स की आदत है हमें, तो हमें तो डिसिप्लिन और रेजिमेंट लगे पूरा रेजिमेंटेड सिस्टम उसकी आदत है, तो इस तरह इतना कैजुअल सिस्टम हमें नहीं पता था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गया, मॉड्यूल 1 मेरे काफ़ी अच्छे हुए हैं, मॉड्यूल 2 वर वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली मैथ का यार, उसके आखिरी 5 सवाल सर के ऊपर से तुक्के मारे मैंने, तो ये सीन है। एनीवेज बहुत अपसेट की बातें हो गई हैं, खाना शाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में वापस आ गए, बल्कि मुझे 2-3 दिन हो गए वापस आए हुए, बस मैं बड़ा लेज़ी हुआ था, व्लॉग मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो एनीवेज दैट वाज माय लिटिल व्लॉग, होप यू गाइस लाइक्ड इट, बड़ा मतलब लगा ना क्लासी सा व्लॉग था, क्योंकि सारा ये व्लॉग मैंने अपना अपने फ़ोन पर फिल्म किया है जस्ट लाइक द ओल्ड डेज, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था मुझे। तो एनीवेज अभी इसका जो रिज़ल्ट है सेट का, वो मुझे जहाँ तक बताया गया है कि टेस्ट डे से 2 हफ्ते बाद आता है, सो दैट मेक्स इट अराउंड 8 सितंबर, तो देखते हैं क्या आता है। अब तो खैर अल्लाह के ऊपर ही है, जो अब आएगा अब उसके ऊपर तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो होना था वो तो हम कर आए हैं, और या सो इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और यार मैनेजमेंट ना तो बहुत हुआ, व्लॉग मैंने उधर भी बताई हैं बातें, लेकिन मैनेजमेंट यार उफ इट वॉज नॉट गुड, बड़ा स्ट्रेसफुल दिन था, मुझे याद है लिस्ट में नाम नहीं था, 2.5 घंटा पेपर है, 1.5 घंटा बैठना पड़ गया, वैसे इट वॉज अ टफ डे, लेकिन खैर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, हाफिज़।